वो ये कह रही है वो गई हुई है बैंगलोर। नंबर नंबर ले ले यार, कभी बात बात कर लिया करेंगे यार हम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं शिवानी कुमारी से मिलने, जो हार के जीत गई। इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म करा, क्या करें यार। कोई ना यार, देखते हैं क्या होता है, मिलती है नहीं आज। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका भाई। सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, आप लोग भी हो गए। तो अभी इस रोड पे हम लोग, भाई कौन सा रोड है ये? रोड है, तो अभी हम लोग सैफई कर रोड पर है, तो वहीं जाकर देखते हैं मिलती है नहीं। आप लोग पूरा ब्लॉग देखना, बहुत मजा आने वाला है। क्या कह रहा, मिलेंगी नहीं? हो सकता मिल जाए, तुम्हें लग रहा मिल जाएंगे? लग तो रहा है, दिल गवाही दे रहा है मिल जाए। मिल जाए, देखो हम लोग इतनी मेहनत करके जा रहे हैं। देखो हम लोग ब्लॉग बनाते नहीं है, बस ऐसे ही आप लोग दिखाना जा रहे हैं कि कैसा नेचर है। हम लोग भी देखेंगे कैसा नेचर है, क्योंकि हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग तो बनाते नहीं है। बस आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और देखते हैं भाई क्या होता सीन। वैसे लग तो नहीं रहा मिल पाएंगे यार। अभी हम लोग कुछ खाने पीने के रुके हुए हैं, ये समोसे। वहाँ कुछ नहीं खाओगे? मिलेगा नहीं तुम्हें? मैं फोटो वोटो खींचेंगे, आप वीडियो बनाएंगे। खाना पीना हो गया है, इन्होंने अभी दो समोसे खाए, एक और खा रहा है। दीदी इन्हें देख के कहेंगी ये बंदा बारात में आया। लेकिन भाई से सूरत बहुत है, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तुम लोग ब्लॉग अच्छा थोड़ी लग रहा होगा यार, बस बना ले रहे हैं यार, ब्लॉग नहीं बनाते हैं। बैगन अभी हम लोग बैठे हैं कार में और टाइम पास हो नहीं रहा। आसिफ तुम गाना गाओ कोई। तैयार तैयार जब माथे पे बैठी म्यूजिक। दिव्यापुर जाना है, आ तो गए, बस थोड़ी दूर रह गया है। सफर बहुत दूर रहा और अच्छा लगा, लेकिन ये नहीं पता यार मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी। पपियापुर कहाँ है? पपियापुर, पपियापुर, पपियापुर। शिवानी कुमारी करे जाने भाई। ये देखो यार तुम लोग यहाँ, मतलब गांव में हर एक बंदे को पता है शिवानी कुमारी का घर कहाँ है। देख लिया, फैन आ रहा, फैन देखो अभी आएगा। ई रिक्शे से पीछे लगा हुआ पोस्टर, तुम लोग दिखा रहे, मतलब फैन फॉलो यार देखना पड़ेगा। है चाचा ने, अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट वहीं पर, 7 किलोमीटर ऊपर चला ले, ऊपर सीधा। तो गाइस अभी शिवानी कुमारी दीदी का घर जो है थोड़ा दूर रह गया है, 2-3 किलोमीटर। देख काफी थक गए हम लोग, लड़कियां देख रही हैं भाई देखो। ये इनका, इनको देखो क्या कर रहे हैं इधर। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। घर बता रहे हैं शिवानी दीदी का, किसी हाथ पर रास्ता है वही पहला वाला, पहली वाली जो गली है, एक पतली सी है, एक जो बराबर में इंटरलॉक वाली, इंटरलॉक वाली चले जाओ, जो नया घर बना है वहाँ जा निकल जाओ, कि नहीं तो पुराना बना वो आगे वाले रास्ते से मिलेंगी। कहाँ वो पुराने वाले, वो तो नए वाले भी होंगे, तो इंटरलॉक वाली चले जाइए ये सीधे हाथ पे इधर। ठीक है भैया, थैंक यू। तो गाइस अभी हम लोगों ने पूछा एक से, तो वो ये कह रहे हैं कि नया वाला घर है जो आगे से कटे वहाँ से ले लो। अभी हम लोग नए वाले घर में जा रहे हैं, वहाँ पे तो देखो मिले ना मिले, वहीं से पूछ के पुराने वाले घर में जाएंगे। इसको भी आना है तो ये कट है इधर, ये है ना इधरी से जाना है, जो कि नए वाले घर में पहुँचोगा। नहीं मिली यार, वो बोला मैंने कि है कहाँ, वो कह रहे हैं है नहीं, वो कहीं गई हुई है। नया घर ये रहा देखो, जिसमें वो रहती है ये वाला घर, ये है घर जहाँ रह रही है वो। हम लोग घर के बाहर ही बैठे हैं, ये देखो ये रहा घर। अब भाई नहीं यार वो गई हुई है, देखते हैं क्या होता है, कोई मिल जाए उन्हीं के साथ देखते हैं कब आएंगी क्या है। बड़ा बुरा लग रहा है यार यहाँ तक आए, गाड़ी साफ हो रही है देखो, घुस गई कहीं गाड़ी गेट के सामने, गेट के सामने गाड़ी घुसा दी। कीचड़ साफ कर रहे हैं यार, मतलब ये करने आए तुम लोग इतनी दूर से। मैंने आंटी से पूछा हम लोगों ने, वो ये कह रही वो गई हुई है बैंगलोर और अभी तो फिलहाल नहीं आ पाएंगी। ब्लॉग भी नहीं डाला था ताकि हम लोगों को पता चले कि है या नहीं। अब यार आना टाइम वेस्ट हुआ बस। ये हैं दादी, कैसा लग रहा है? बहुत यार दिन बेकार गया है। नंबर नंबर ले ले यार, कभी बात बात कर लिया करेंगे यार हम लोग आने के लिए। और क्या, ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है।
इतने जूते मारेंगे तुम्हारे क्यों तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आ रही। तो गाइस अभी हम लोग शिवानी दीदी मिली नहीं, वो बेंगलोर गई हुई है। अब हम लोग सोच रहे हैं वहाँ जाएं सेना दीदी के पास, क्योंकि उनका घर थोड़ा पास में है यहाँ से, और फिर कभी आएंगे यहाँ पे। और ये यहाँ बहुत बुरा लग रहा। कहाँ गई नहीं मालूम दीदी, तुम फोटो खिंचवाए तुमने? अच्छा तो शिवानी दीदी तो मिली नहीं, ये लोग मिल गए। खुशी जी मिली है, आंटी और वैभव अंकल। वैभव भैया इतना सब कुछ कर दिया हम लोगों के लिए। तो भाई देखो, भाई का ब्लॉग मेरे हाथ में, और सब लोग शर्मा रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं। और उनकी उनका फोन बज रहा था, ये नया लॉन्च करके लाए हैं। गाइस तुम्हारे भाई की वीडियो शूट हो गई है, एंड ये लोग कर रहे हैं अपनी अभी रील शूट करी है, सैड क्वाइटेस। गाइस अपनी शूट हो गई है और इनकी हो रही खुशी की। मस्त बन गई जी। तो गाइस अब ब्लॉग करते हैं, एंड आई होप आप लोगों को बढ़िया नहीं लगा होगा, हमें पता है। शूट हो गई बस। हाँ खुशी कुछ कहोगी चैनल के लिए? गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, भैया लोग सभी को सपोर्ट करो, मुझे भी करो। गाइस आपको पता है मेरी हालत कैसी है अभी फिलहाल में, आपको ऐसे दिखेगा नहीं क्योंकि मैं मुझे अंदर से पता मुझे कैसा लग रहा है ऐसे, तो कैसे पता भी नहीं चलेगा आपकी बस। थैंक यू एंड लव यू ऑल, एंड सपोर्ट करते रहना।